बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक का किया अपहरण, पुलिस जुटी तलाश में। बाड़मेर शहर के नेशनल हाईवे 68 पर नवले की चक्की के पास दिन दहाड़े एक पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआवजा किया और घटना स्थल पर बनी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव चोखला गांव निवासी एक युवक हितेश सनोप जसराज का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नवले की चक्की के पास युवक एक कमरे में किराए रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार शाम 4 बजे बाइक और पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस की अलग अलग टीमें अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। तो कोई 3 बंदे पिकअप में डालकर अपहरण करके ले गए। यहाँ तुरंत मौके पर पहुंचे, पता किया था। उसका नाम हितेश सनोप जसराज, उम्र करीब 22 साल, निवासी चोखला का रहने वाला बताया, जो इधर ही नवले की चक्की में पीछे के रूम लेके रहता है। वो अपने 2 बंदों के साथ आया मोटरसाइकिल पे, और जो उसके साथ बैठे हुए थे वही बंदे उसको उठा के पिकअप में डाल के ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में चेक किया। कहाँ से ले गए सर? नवला की चक्की से। ठीक, क्या नाम है आपका? जसाराम। जसाराम जी, क्या मामला हुआ, कैसा अपहरण हुआ है? सर, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, हम तो गाँव में रहते हैं। गाँव में अभी पता चला गया, ऐसा चला गया, छोटा ले गया, इसलिए हम आए। हाँ, कहाँ के आप, कहाँ के रहने वाले हो? चोखला के। भाई तू तहसील है, गांव चोखला है। आपको पता है ले जाने वाले कौन है? ये ले जाने वाले को हम उसको पहचान नहीं। कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ नहीं। कितने वर्ष का आपका बच्चा? हमारा बच्चा है 22 साल। कहाँ पढ़ता है? यहाँ रहता है, नवले की छठी दुकान पे रहता है। हाँ, कहाँ से अपहरण हुआ है? अपहरण यहाँ नवले की छठी से।